देखिए बेटे, 6 सितंबर को मैंने चूंकि मेरी उम्र इस वक्त 81 साल है और मैंने पाकिस्तान बनते देखा अपने वालिद के साथ। मेरे वालिद जो थे वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, मेरे सुसर ब्रिगेडियर थे PA-46 मोहम्मद सईद, जो कि यानी बहुत सीनियर थे। और इसके बाद मेरा भाई जो है ब्रिगेडियर साहब से भी वो सीनियर था, वो फर्स्ट वॉर कोर्स में कर्नल सईद। उसके बाद मेरा बेटा F-16 पायलट। तो मेरे तो यानी कि मैंने तो वो फौज की जिसको कहते हैं दाल रोटी भी खाई हुई है और चीज़ है। लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं, मैं कौम को बताना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि हम पहले हमारी पहचान क्या है, हम पाकिस्तान के जो फौजी हैं उन दूसरी फौजियों में फ़र्क क्या है। हम चाहे आर्मी नेवी एयरफोर्स में, हम पहले मुसलमान हैं और फिर पाकिस्तानी हैं और फिर फौजी हैं। बेशक। तो ये मेरी पहचान है, मेरी लॉयल्टी पहले मोहम्मद के कुरान के साथ है, फिर आइन के साथ है और फिर फौज के कानून के साथ है। 6 सितंबर को बेटे मैं सुबह यानी कि मैं नेवी में जा चुका था, एक सब लेफ्टिनेंट सेकंड लेफ्टिनेंट था और मेरी पोस्टिंग जो थी वो पाकिस्तान नेवी के डिस्ट्रॉयर PNS शाहजहां पे थी। उस वक्त हमें, अब आपको बड़ी हैरत होगी कि हमें जंग का नेवी और नेवी जैसे इदारों को हमें पता लगा जंग रेडियो पाकिस्तान से। तो सुबह 6 बजे हम जो है हमने हमारी ड्यूटी थी उस वक्त रन ऑफ कच्छ की लड़ाई हमने लड़ी हुई थी। नेवी जो थी रन ऑफ कच्छ में मसरूफ थी क्योंकि रन कच्छ में हमारी ड्यूटियां थी जून जुलाई की गर्मी में समंदर में। अब हमारी जो ड्यूटी थी उसके बाद ये लगी कि जो गल्फ ऑफ एडन से जो असला लेके जहाज आते हैं, हमारे जो सिविलियन जहाज आते हैं उनको एस्कॉर्ट करना ताकि उनमें आर्मी नेवी एयरफोर्स का जो गोला बारूद होता है उनकी हिफाजत करना। तो हम वो काम कर रहे थे, उसके लिए हम तैयारी करके 6 सितंबर को जब समुद्र से निकल रहे थे तो यकदम आवाज़ आई कि सदर पाकिस्तान कौम से खिताब करेंगे। हमारा भी इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम है, हम सब वहीं रुक गए। तो फिर वो यकदम जो है दो तनाना बजा और फिर वहाँ ये कि मेरे अजीज हम वतनों, आज सुबह हिंदुस्तान ने लाहौर पर हमला कर दिया है। और जैसे आपने कहा, फिर उन्होंने कहा उनको ये शायद मालूम नहीं कि हमारे दिलों में जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के इनके दिलों में वो धड़कता है। बस फिर क्या है, हमें जोश और हमने कहा ये कर देंगे वो कर देंगे। अब हम सेकंड लेफ्टिनेंट हमारे यानी जो CO थे वो फुल कर्नल, असल चीज़ों का तो उनको पता होगा जो हुआ भी। खैर हम निकले और हमने जैसे आप घेराव करते हैं ना इधर, जैसे ये इस दफ्तर का घेराव कर लिया, हमने भी अपने CO के ऑफिस का घेराव कर लिया। क्या करें। उन्होंने एक दफ़ा कहा कि भाई हमें इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार करने दो, दो दफ़ा का, तीन दफ़ा। फिर हम शाम को उन्होंने कहा जो जड़ियाँ छड़ा मारनियाँ मार लो। सही समुद्र में क्या, अब हम रेडियो भी सुन रहे हैं। तो हम जो है अब तिल मला रहे हैं, गुस्सा खा रहे हैं कि हम क्या करें। तो अब जो है ये दिन गुजर गया 6 का। फिर 7 को भी जो है हमारे मुँह गल्फ ऑफ एडन की तरफ, लड़ाई इधर हो रही है हमारा मुँह उधर है। तो हमारे जो हैं अफसर जो हैं वो बड़ा मुश्किल हो रहा था कि इनको करें क्या। तो सर जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही थी, जो आप तक बजाए वागा पे क्या चल रहा है,